हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं अरुई के पत्ते की पकौड़े बनाने जा रही हूँ, जिसमें लगने वाले इंग्रीडियंट्स मैं जैसे जैसे डालूंगी वैसे वैसे आप लोग को बताऊंगी। ये मैंने चने की दाल रात को भूनने के लिए कटोरी के लगवाया था, इसे मैं पीसूंगी। चावल आधी कटोरी के लगवा मैंने रखा था, इसको भी भूनने के लिए डाला था, जिसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं आपसे, आप देख सकते हैं कि मैंने चने की दाल को मिक्सिंग जार में डाल करके इसको मैं अब हल्का सा पानी डालकर और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद इसी तरह मैं चावल के को भी ग्राइंड करूँगी, जो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुके हैं पूरे। इसी तरह मैं अब दूसरा चावल का को भी मैं ग्राइंड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने चावल को भी ग्राइंड कर लिया और बेसन में इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। देख सकते हैं इसको भी ट्रांसफ़र करके इसको मैं इसमें और मसाले डाल करके मिक्स करूँगी। इधर मैंने अरुई के पत्ते को धुल लिया है, देख सकते हैं। इसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया और इसे मैंने धुल लिया है। आप इसी तरह इसको अच्छे से पहले अच्छे से देख लें कि इसके अंदर कीड़े उड़े ना हो। प्लेट में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरह आप इसी तरह कर लो, इसी तरह करें। मैं इसमें मसाले से बैठ करूँगी, जो आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले लिए हैं। यह एक एक चम्मच के लगभग है, एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच मैंने मसाले लिए हैं। सब्जी मसाला, हल्दी मसाला 1 स्पून के लगभग है, और ये मिर्च पाउडर आप देख सकते हैं। बेसन है, बेसन और चने, बेसन और चने का बेसन है। दाल को भिगो कर मैंने जो पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसमें चावल के आटे भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, आप देख सकते हैं 1 से 1.5 स्पून के लगभग हैं पूरे। इसको मैं डालूंगी, 1/2 स्पून के लगभग मसाले हैं। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, उन सबको मिक्स कर लूँगी। पानी अगर कम लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। ये जो मैंने चावल के पीसे थे तो उसी का ही पानी है, इसमें ऐड करें। ज़्यादा पतला ना रखें, इसमें मुझे 1 थाली की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उलट कर लिया है, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैं इसमें नमक डालूँगी। अब ये देखिए, धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग इसमें नमक आ जाएंगे। इसे आप मिला लें, मिला लें अच्छे से, पूरी तरह से मिल जाए। मैं इधर इसकी पत्तियों को ऐसे करके बिछाएँ, जैसे बिछा लें इसको। मैं इसके डंठल पीछे का पहले से निकाल दिया है, इस पर थोड़ा थोड़ा करके अच्छा अच्छा के डालते जाए। बहुत ही यम्मी होती है। सभी प्लीज इसे बनाएं, थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होता है, यकीन मानिए इसकी पकौड़ियाँ और सब्जी इतनी अच्छी होती है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आप भी मिलाएं इसको अच्छे से,
अच्छी अच्छी पत्तियाँ लेकर के इसे बिछा लूँ। दो तीन पत्तियाँ ऐड करूँगी इस पर। ये जो मैंने आपको धागा बताए थे उसी से मैं इसको फोल्ड करके बांधूँगी। देख सकते हैं, इसमें मैं यही डाल दूंगी। इधर मैंने पानी भी गर्म कर दिया है, खोलने के लिए रख दिया। 3 से 4 गिलास के लगभग मैंने पानी गर्म कर लिया है, गैस ऑन है। इसी में इसको स्टीम करूंगी। देख सकते हैं, मैं करके इसे डाल करके देखिए ऐसे फोल्ड करूंगी दोनों तरफ से। इधर से ऐसे डालकर तब इसे दोनों तरफ से कर लें और फोल्ड करें और धागे से बांध दें। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे फोल्ड किया है। इसे आप भी फोल्ड कर लें इसको, और ये धागे हैं इसे मैं इसे ऐसे करके बांध लूँगी। देखिए ढीला ना बांधे, इसे थोड़ा टाइटिंग बांधे कि खुले नहीं पानी में जाने के बाद। अगर मैंने गर्म पानी किया है उसमें एक एक करके सबको डालूंगी और इसको ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे आप भी करें। यकीन मानिए इसकी आप एक बार जब बना लेंगे इसकी पकौड़ियाँ तो आप बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। ज़रूर है थोड़ी सी इसमें समय अधिक लगती है। देख सकते हैं आप भी बांध लीजिए। आप देख सकते हैं ये बॉल हो चुके हैं, लाइन है अब निकालेंगे इससे। इसे करके निकालना है। अब इसी तरह इसको निकाल लें और देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ और भी रोल करके इसी तरह से बांध के रखा है। आप भी इसी तरह धागे निकाल लें और इसका अब मैं इसको पीस में काटूंगी। जो आप देख सकते हैं नाइफ की सहायता से मैं इसे कट करूंगी। देखिए छोटे छोटे पीसेस में आप भी इसी तरह कट कर लें सकते हैं। ऐसे ही कट करें जैसा आप साइज है वैसा आप कट कर सकते हैं। इस तरह अब घर के ये गर्म है, इसको ठंडा होने दें तभी कट करें। देख सकते हैं इसी तरह मैं दूसरे को भी कट करूँगी। इधर आप देख सकते हैं मैं इसमें एक बाउल के लगभग मैं बेसन लूँगी। ये वजन 200 से 300 ग्राम के लगभग होंगे। इसमें मसाले ऐड करूँगी 1 चम्मच के लगभग। मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें सब्जी मसाला भी है, सब्जी मसाला भी आप भी डाल दें। देखिए सब्जी मसाला 1 चम्मच के लगभग मैंने डाला है। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं वैसा आप मिर्ची यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच डाला क्योंकि मैंने पहले भी 1/2 चम्मच के लगभग मिर्च डाला था। हल्दी पाउडर मैं डालूंगी थोड़ा सा और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1/2 चम्मच के लगभग मैंने हल्दी मसाला डाला। अब इसी के अनुसार स्वाद अनुसार नमक डालूंगी क्योंकि नमक मैंने पहले 1 चम्मच के लगभग यूज किया था इसलिए। देख सकते हैं मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले आप भी। एक कटोरी से थोड़ी सी कम मैंने पानी लिए थे
सारे पानी इसमें लग जाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देख सकते हैं इसी तरह अभी इसको, इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, गैस ऑन करके तेल हल्के गरम हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को कम कर दूँगी, पहले मैंने तेज फ्लेम किया था। अब देख सकते हैं बिल्कुल मिल चुके हैं, आपको भी इसी तरह का रखना है टेस्ट इसका। आप अगर तीखा अधिक पसंद करते हैं तो एक चम्मच के लगभग आप डाल सकते हैं मिर्च, मैंने नॉर्मल ही रखा है, ना ज़्यादा तीखा होगा। इसी तरह से आप भी दोनों तरफ से पॉट करते गए। तो देखिए तेल गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। आप इसी तरह से डालें, सावधानी से डालें, एक एक करके मैंने सबको कट कर लिया। देख सकते हैं यकीन मानिए इतनी यम्मी होती है पकौड़ी। आप एक बार प्लीज मेरे कहने पे आप लोग प्लीज़ बना करके देखिए। अभी मैं इसको दोनों तरफ से इसी तरह से सेक लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी कोट कर करके इसको डालते जाएं। कढ़ाई थोड़ी बड़ी सी लें, मोटे तले की कढ़ाई है। देखिए मैंने इधर पीसेस काट चुकी हूँ, सारे पीस मैं काट ली हूँ। आप इसी तरह से काट लें। तब मैंने 4 से 5 इसमें कढ़ाई में मैंने डाला है, कम कम डाल करके यहाँ फ्राई करें, जो कि पलटने में आपको आसानी हो। देख सकते हैं मैं इसे दोनों तरफ से पलट करके अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए, चटनी के साथ, मिर्च के साथ है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और खाने के लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।